आप सभी को अक्षय तृतीया पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वैशाख माह के शुक्ल पद की तृतीया तिथि 22 अप्रैल को मनाई जाएगी और कुछ जगह ये 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया को कुछ जगह आखा तीज भी कहते हैं। ये धर्म कर्म के साथ ही दान पुण्य करने का महापर्व है। इस दिन खरीदारी करने की भी परंपरा है। मान्यता है अक्षय तृतीया के व्रत उपवास और दान पुण्य से अक्षय पुण्य मिलता है। अक्षय पुत्र यानी ऐसा पुण्य जिसका कभी क्षय नहीं होता। आज के दिन यदि ज़्यादा दान ना कर सके तो इस दिन कम से कम जल का दान जरूर करना चाहिए। आज के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि के बाद घर के मंदिर में विष्णु जी और लक्ष्मी जी का अभिषेक करना चाहिए। सबसे पहले गणेश पूजन करें। इसके बाद गाय के कच्चे दूध में केसर मिलाकर दक्षिणावर्ती शंख में भरकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमाओं का अभिषेक करें। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर उससे भगवान विष्णु जी और देवी लक्ष्मी का अभिषेक करें और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को लाल पीले चमकीले वस्त्र पहनाएं, हार फूल इत्र चढ़ाएं, खीर पीले फल या पीली मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप जलाकर आरती करें और इस पूजा के बाद प्रसाद बांटें और खुद भी लें। इस दिन माता लक्ष्मी को उनके प्रिय चीज़ें अर्पित करें। अक्षय तृतीया को पूजा के समय आप माता लक्ष्मी को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। पूजा में कमल का फूल या लाल गुलाब का फूल, कमल गट्टा, पीली कौड़ियाँ, मखाने की खीर, बताशा और दूध से बनी मिठाई चढ़ा सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पूजा के समय आप श्री यंत्र और कुबेर यंत्र की भी पूजा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना शुभ फलदायी माना जाता है। माता लक्ष्मी के महामंत्र ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमला लय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्री ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। इन सबके साथ इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, पूजा करें। किसी मंदिर में या ज़रूरतमंद लोगों को अन्न जल जूते चप्पल वस्त्र छाते का दान करें। अक्षय तृतीया की शाम शालिग्राम के साथ ही तुलसी की पूजा करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करें। शिवलिंग पर ठंडा जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। बेल्ब पत्र हार फूल आंकड़े के फूल और धतूरे से शिवलिंग का श्रृंगार करें। अक्षय तृतीया के दिन इस प्रकार से पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति के साथ साथ देवों के देव महादेव बजरंगबली और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अब आपसे इस पोस्ट से हम आज्ञा लेते हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को पावन पर्व अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार।